संस्कृति के संस्कार आ ही नहीं सकते, संस्कृति से ही संस्कार मिलते हैं और संस्कार का आधार मूल भाषा वहीं से शुरू होता है। ये प्रेरणा हमारे सबके अंदर के अंतर भाव और मन को जागृत करता है। हे सूर्य भगवान, हमारी प्रेरणा को और ताकत दीजिए, जिससे ये प्रेरणा पूरे दुनिया में छा जाए और भारत का भविष्य निर्माण में अपनी भूमिका अदा करे। भारत की मर्यादाओं की, भारत की संस्कृति की लगातार संरक्षण है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, धारा 370 हटी है, यानी धीरे धीरे संस्कृति का संरक्षण हो रहा है, पूरी दुनिया उसको देख रही है और आने वाला समय भारत का है और भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। हम भविष्य के भारत की परिकल्पना करते हैं, जो विश्व गुरु भविष्य के भारत की हम परिकल्पना करते हैं, उसमें एक ये भी एक सार्थक प्रयास के रूप में एस्टेब्लिश हो। मुझे लगता है कि पिछले 3 वर्ष से चलने वाला ये जो प्रयास है, ये एक बहुत सुंदर प्रयास है, जिससे देश के मीडिया और जो अन्य विषयों पर समाज में लोगों के पास ठीक जानकारियाँ पहुँचनी चाहिए, उसको लेकर के जो यहाँ मंथन होता है, ये वास्तव में अपने आप में एक बहुत अद्भुत और सराहनीय प्रयास है। मेरी प्रेरणा शोध संस्थान को इसको लगातार करने के लिए शुभकामनाएं। डॉक्टर सुनीति, भविष्य का भारत कैसा हो, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? भविष्य का भारत राम राज्य जैसा हो, जहां आखिरी पायदान पे बैठी हुई शबरी और अहिल्या दोनों शबरी के बेर चखें और अहिल्या को तारें। हमारे भारत में पौराणिक काल से ही बहुत सारी चीज़ें थी, तो वही सब टेक्नोलॉजी हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं।